नमस्कार, मी नितीन शिंदे. आपण पाहताय बोलबिंदास. नवरात्र उत्सवाच्या निमित्तानं आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या महिलांशी गप्पा मारतोय. आज आपल्यासोबत आहेत नीती अगरवाल. त्या गोल्फ, क्रिकेट आणि सॉफ्टबॉल खेळतात. क्रिकेटमध्ये त्यांना रुची आहे आणि त्याला करिअरसुद्धा करण्याचा प्रयत्न करतायत. आपण नीती अगरवाल यांच्याशी गप्पा मारूयात. नमस्कार. आपके बारे में संक्षिप्त बताइए क्या है. तो हेलो, मेरा नाम नीती अग्रवाल है. मैं अभी 20 साल की हूँ और मैं नरेंद्र अग्रवाल और पूजा अग्रवाल की बेटी हूँ. अभी फ़िलहाल के टाइम पे मैं क्रिकेट खेल रही हूँ और साथ में एक एनजीओ चलाती हूँ जिसका नाम है इंस्पायरिंग बीइंग फाउंडेशन. एंड अभी मेरा प्लान है कि मैं पूरा क्रिकेट में फोकस करूँ. आपकी शिक्षा कहाँ हुई. मेरी शिक्षा, मेरा स्कूलिंग पोदार स्कूल से हुआ है और मेरा अभी कॉलेज MIT WBSC हुआ है. शुरू में शिक्षा में आप कैसी थी. शिक्षा में स्टार्टिंग से बहुत अच्छी थी. मतलब मेरे को बहुत ऐसा परिश्रम नहीं करना पड़ता था. थोड़ा हार्डवर्क से मैंने काफ़ी रिजल्ट्स लेकर आए और मेरा ऐसा था कि थोड़े फोकस से मैं बहुत कुछ अच्छे परसेंटेज अचीव कर लेती थी. आप शिक्षा में अच्छे हो. अच्छा, आज भी कर रही हो, कॉलेज भी कर रही हो. खेल में रुचि कब से है. खेल में रुचि बचपन से है. मेरा घर में ऐसा है कि मैं एक लड़की बहुत सारे भाइयों के साथ खेलती हूँ. मतलब मैं स्टार्टिंग से, मेरे बहुत भाई है, कज़न से, हम लोग समर्स पूरा टाइम खेलते रहते थे. तो मुझे स्पोर्ट्स में हमेशा दिलचस्पी थी, बट मेरे को ये नहीं पता था कि मैं करियर कब से करूँगी स्पोर्ट्स में. कौन से खेल में आपको ज़्यादा रुचि थी. ज़्यादा रुचि क्रिकेट में थी. बचपन में भाइयों के साथ बहुत खेला है. समर्स में नीचे पार्किंग में हम खेलते थे. अच्छा. तो फिर उसमें क्रिकेट में बहुत रुचि थी. लेकिन आप गोल्फ भी खेलती है, सॉफ्टबॉल भी खेलती है, तो पहले क्या शुरू हुआ और कैसे था ये सब. तो सबसे पहले 8वीं कक्षा में मैंने सॉफ्टबॉल शुरू किया. मेरे स्कूल में एक कोच थे जिन्होंने मेरे को सॉफ्टबॉल में लाया. तो फिर वो स्पोर्ट मैंने चालू किया बारिश के महीने में. तब मैंने वो 3 महीने में वो स्पोर्ट अच्छे से सीख लिया, बहुत अच्छे से पिकअप कर लिया. एंड उसमें मैंने पहला मेरा नेशनल खेल लिया जहाँ मैंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया. सॉफ्टबॉल में. सॉफ्टबॉल में. तो अगर सॉफ्टबॉल में आप अच्छी तरह से खेल रही थी, महाराष्ट्र खेला है, आगे जाके इंडिया खेलने का भी चांस हो सकता है, तो आप क्रिकेट की ओर कैसे मुड़ी. तो जब कोविड आया 2019 के बाद, तब 2019 में मैंने मेरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला था सॉफ्टबॉल में, जहाँ मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एशियन कप में. ओके. जहाँ मैं चाइना गई थी खेलने के लिए. तो वहाँ से आने बाद मुझे जो लॉकडाउन में थोड़ा ब्रेक मिला, जहाँ मेरा स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस बंद हो गया था एंड मुझे बहुत टाइम था सोचने के लिए. तो मैंने मेरे थोड़ा माता पिता से भी बात करके ये सोचा कि सॉफ्टबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ मैंने मेरे ज़िंदगी के 5 साल दिए, पर उससे मुझे इतना रिटर्न नहीं मिला जो मेरे को करियर बनाना है स्पोर्ट्स में. सॉफ्टबॉल में इतना करियर नहीं है. नहीं है, बिकॉज इंडिया में लोग अभी तक जानते नहीं है कि सॉफ्टबॉल क्या है, कैसे खेलते हैं. एंड ऐसे वैसे बहुत सारी लड़कियां जो खेल रही है, बट जो लेवल पे अभी क्रिकेट खेलते हैं लोग, उतना सॉफ्टबॉल में करियर नहीं है एज. लेकिन मेरे को उससे पैसा भी मिले या फेम भी मिले. तो वैसे मेरे को बचपन से मेरी मॉम का भी सपना था कि उनको क्रिकेटर बनना है. तो मुझे बचपन से था कि मैं क्रिकेट खेलूँ. तो तब लॉकडाउन में मेरे को एक करेक्ट चांस मिल गया कि मैं वो स्विच कर दूँ स्पोर्ट्स. तब मैंने लॉकडाउन में डिसीजन लिया कि मैं अभी क्रिकेट खेलूँ. लेकिन आप क्रिकेट के बारे में खेलना शुरू करना था, आपका स्कूल तो ख़त्म हो चुका था और आप कॉलेज की ओर पढ़ने वाली थी, तो फिर अचानक ये जो क्रिकेट का आपके दिमाग में जहन आना, ये कैसे संभव था कि आप क्रिकेट खेल सकें. तो सबसे पहला था मेरे मॉम एंड डैड, वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं. मैं कुछ भी उनको बताऊँ कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये डिसीजन लेना है, वो तुरंत मुझे करते थे, हाँ बेटा तेरे को जो करना है वो तू कर. लेकिन वो ये बात हो गई कि चलो सबका सपोर्ट है, घर का सपोर्ट है या बाकी दोस्तों का सपोर्ट है, लेकिन क्रिकेट खेलना है तो शुरू पहले से शुरू करना पड़ता है. करेक्ट करेक्ट. तो कैसे मैच किया. तो फिर वो एक मेरे को बहुत हेल्प हो गया कि कॉलेज मेरा ऑनलाइन था तभी. तब मैं कॉलेज के टाइम पे भी पूरा टाइम क्रिकेट खेलती रहती थी. कोचेस थे अच्छे, क्लासेस ज्वाइन की. बहुत डिफिकल्ट गया पहला 3-4 महीना, जहाँ मेरे को बैट कैसे पकड़ते हैं उससे शुरू करना पड़ा. बिकॉज ये कब हुआ. 19 में. ये हुआ 2020 में. 20 में. हाँ. एंड इतना बहुत डिफिकल्ट था. मेरे को इंजुरीज भी हो रही थी, मेरे को ब्रेक भी लेना पड़ रहा था, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट था जो सॉफ्टबॉल से बहुत अलग था. एंड वो सब टेक्निक लर्न करना, सब कुछ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया स्टार्टिंग में. बट देन फिर मैंने वो पिकअप कर लिया, बिकॉज वो ठान के रखा था कि नहीं क्रिकेट में करना है, तो वो माइंड स्ट्रांग करके कर लिया. अभी आप क्रिकेट में क्या खेल रहे थे, मतलब कॉलेज, यूनिवर्सिटी या महाराष्ट्र. तो कॉलेज ख़त्म हो, अभी मेरा कॉलेज लास्ट ईयर, ये साल ख़त्म हो गया. मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है. तो फिर कॉलेज की तरफ से कुछ चांस नहीं मिला क्योंकि उनके पास गर्ल्स की टीम ही नहीं थी. ओके. सो अभी मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ Under-23 महाराष्ट्र खेलने की. तो उसको आपका नॉमिनेशन हुआ. उसके सिलेक्शन अभी मार्च में आएंगे अगले साल. ओके. तो आप उसके लिए ट्राई कर रहे हैं कि महाराष्ट्र खेलूँगी. अच्छा, तो आप
महाराष्ट्र खेलने के लिए कोई कोच या कोई ऐसा इसमें ज्वाइन हो गई है? डेफिनेटली हाँ, अभी जो कोच के पास मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उनके महाराष्ट्र एसोसिएशन में भी कॉन्टैक्ट्स है एंड वो बहुत सारे प्लेयर भी तैयार कर चुके हैं पहले से. सो मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है. तो आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र अगले साल खेलेंगे, क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि महाराष्ट्र खेलने? मेरी तैयारी बहुत जोर से चालू है एंड बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो ज़रूर खेलूँगी. आपको आगे जाके क्रिकेट में इंडिया खेलना है? ज़रूर इंडिया खेलना है, वही आखिरी है मतलब आपका गोल है? गोल है मेरा. आप क्या ये करना चाहती है आपका गोल? आपने कहा कि इंडिया खेलना नहीं, लेकिन कोई अभी इंडिया ने वर्ल्ड कप भी ये किया था, तो आपको लगता है कि आप इंडिया की टीम की तरफ से आप पूरा? मुझे भरोसा है मैं अगर इंडिया की टीम में चली गई तो फिर मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म करूँगी इंडिया के लिए. एंड मेरा सपना ये है कि अभी जैसे आप जानते होंगे 2028 ओलंपिक्स में भी क्रिकेट आ चुका है, वुमेन्स क्रिकेट. तो मेरा एम ये आशिया गेम में, यस ओलंपिक गेम्स में, ओलंपिक गेम्स. तो फिर मेरा एम ये है कि 2028 तक अगर मैंने क्रिकेट की टीम में जगह बना ली तो मुझे उस प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट करके अपने इंडिया के लिए मेडल जीतना है. तो फिर मेरा मेन एम वो है कि ओलंपिक्स या कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहाँ पर इंडिया का झंडा फहरना चाहिए. आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है कि आप कहते हैं कि मैं ये खेलूँगी ये करूँगी. ये थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूरी है आजकल के बच्चों में. सही है. और ये सही भी है कि सोचना, अगर पॉजिटिव थिंकिंग हम करते हैं तो हम उस मकाम पर पहुँच ही जाएंगे. आप क्रिकेट के साथ गोल्फ भी अच्छा खेलती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए. गोल्फ एक ऐसा स्पोर्ट था जो मैंने मेरे थोड़े दोस्तों की वजह से, एक बहुत नया स्पोर्ट था. मैं बचपन से ऐसा सोचती हूँ कि कोई भी स्पोर्ट मेरे सामने आए उसमें मैं पूरा जी जान लगा दूँ, वो स्पोर्ट को अच्छे से सीखूँ. ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स मैंने ट्राई किए बचपन में जहाँ मैंने ZB लेवल तक भी खेल लिया है. तो गोल्फ एक ऐसा स्पोर्ट था जो मुझे सारा जो स्ट्रेस रहने का, कॉलेज का स्ट्रेस हो गया, क्रिकेट में परफॉर्म करने का स्ट्रेस हो गया, उस सब स्ट्रेस से दूर रखता था और वो मेरे को इन्जॉय करवाता था. तो गोल्फ मैंने ऐसे इन्जॉयमेंट चालू किया एंड वो स्पोर्ट भी ऐसा पिकअप हो गया कि मैं थोड़े टूर्नामेंट्स भी खेल लिए, थोड़े अवार्ड्स भी जीत लिए. सो गोल्फ एक ऐसा स्पोर्ट है जो मेरे को क्रिकेट में भी हेल्प कर रहा है. कौन से अवार्ड्स आपने जीते हैं? अवार्ड्स की बात की जाए तो मैंने सॉफ्ट बॉल में 7-8 नेशनल्स खेले हुए हैं, सॉफ्ट बॉल में, जहाँ मैंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया है. एक इंटरनेशनल खेला है तो मुझे बहुत सारे टूर्नामेंट्स में बेस्ट बैट्समैन, जो सॉफ्ट बॉल का बैट्समैन होता है, उसके अवार्ड्स मिले हैं. मुझे क्रिकेट में मैन ऑफ द मैचेस मिले हैं. मुझे गोल्फ में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है 2 टूर्नामेंट्स में. सो ये मेरे अवार्ड्स थे जहाँ मैंने कुछ ना कुछ कहा ना कहीं थोड़ा अचीव किया है. क्रिकेट और गोल्फ या आप खेलों में रुचि रखती है लेकिन आप थोड़ा सोशल एंगल से भी सोचती है, कुछ एक फाउंडेशन आपने बनाया है उससे आप काम करती हो, क्या करती है? सो मेरे फाउंडेशन का नाम है इंस्पायरिंग विंग फाउंडेशन और ये मैंने मेरे कॉलेज की एक फ्रेंड के साथ मिलकर चालू किया. क्या करते हैं उसमें? सो उसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण जो हम बोलते हैं, तो उसके लिए काम करते हैं. तो हम बेसिकली ऐसा जो एक टॉपिक है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मासिक पाड़ी जो लोग बोलते हैं, उसके बारे में लोग बहुत शर्माते हैं बात करने के लिए. सही है. तो हमारा NGO ऐसा काम कर रहा है जो ये टॉपिक को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है और महिलाओं को ये समझा रहा है कि तुम्हें मासिक पाड़ी में सही वस्तुएं क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए. एंड हम अभी तक कम से कम 8,000 से ज़्यादा महिलाओं को सिखा चुके हैं एंड 4,000 से ज़्यादा लड़कियों को भी एजुकेट कर चुके हैं. तो हम ये सब गवर्नमेंट स्कूल्स में करते हैं. तो आगे जाके उसमें क्या करना चाहते हैं? वो NGO को हमें इतना बड़ा करना है कि वो सिर्फ पुणे में ही नहीं, वो पुणे के बाहर भी, इंडिया में भी, सब जगह लड़कियों को और महिलाओं को हिम्मत दे कि हम हमारे लिए लड़ सके. एंड ये NGO के लिए हमारे बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं. इसके बारे में मैं पूछूंगा, एक ऐसा अवसर, विशेष अवसर इसमें कुछ होगा तो उसके बारे में बताएं. NGO में हमारे थोड़े थोड़े अचीवमेंट्स हैं NGO के. हमारा एक बार अनन्या पांडे, सबको पता है अनन्या पांडे कौन है, उनके साथ एक इंटरव्यू हुआ. उन्होंने हमें सामने से मैसेज किया एंड उनको जानना था कि हम तभी 19 साल के थे, मैं और मेरे जो मेरी दोस्त है, तो हम दोनों ने उनके साथ इंटरव्यू किया जहाँ उन्होंने हमारे NGO के बारे में सब कुछ पता करके लिया, हमें बहुत सारा प्रोत्साहन दिया. तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए एंड हम आगे भी देखते हैं कि हम अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर जाएं. ये काम NGO का आप जो कर रहे हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती होगी, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती होंगी, तो थोड़ा सा ऐसा कभी लगता है कि ये काम कर रहे हैं लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो थोड़ा दुखी हो जाते हैं? तो सपोर्ट तो भरपूर है, मतलब सपोर्ट की बिल्कुल कमी नहीं है. बट हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा जो शेड्यूल है स्पोर्ट्स में रह के, कि मुझे
सुबह भी प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है, शाम में भी जाना पड़ता है, तो जो टाइम देना पड़ता है एनजीओ को, उनको बढ़ाने करने को, चलाने को, तो वो कभी कभार रह जाता है कहीं ना कहीं, तो बहुत बुरा लगता है कि नहीं मैंने अगर ये चालू किया है तो मुझे उसको उतना टाइम देना चाहिए। बट अभी ये ऐसे स्थिति में हम लोग कि जहाँ हम कुछ भी करके उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो एक जब रात को सोने जाते तब ऐसा एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि नहीं हमने आज कुछ अच्छा किया है। तो मुश्किल तो सब जगह आती है, वो स्पोर्ट्स हो, वो सोशल वर्क हो, किधर भी हो, बट आखिरी में तो हमें उसको वही ओवरकम करके उसको ही हासिल करना है। आप क्रिकेट खेलती है, आप बोल रहे हैं कि आपको अचीव करना है, आप 2020 में शुरू किया, 2024 में आप महाराष्ट्र खेलना चाहती है, 4 साल में आप ये सब कर रही है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये 4 साल में हो पाएगा? 4 साल में से भी 3 साल तो ऑलमोस्ट निकल गए, तो 3 साल थोड़ा ऊपर नीचे थे जहाँ मुझे थोड़ी इंजुरीज हो गई, मतलब मेरा थोड़ा ब्रेक हो गया, मेरा बॉडी मेरा साथ नहीं दे रहा था। बट अभी जैसे मेरी प्रैक्टिस चालू है, तैयारी चालू है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत ही सब कुछ रंग लाएगी, तो फिर मैं इतनी मेहनत अभी कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है 1 साल में पक्का हो जाएगा। आप जो नए खिलाड़ी हैं, नई लड़कियाँ हैं जो क्रिकेट या खेलों में रुचि रखती है, कुछ करना चाहती है इंडिया के लिए, या अपना पूरा ध्यान जो शुरू से बचपन से खेलों में लगाते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उन बच्चों को, उन महिला, उन लड़कियों के या युवाओं को आप क्या संदेश देंगी? तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि लड़कियां बहुत बार वो हिचकिचाहट दिखाती है कि नहीं मैं स्पोर्ट्स कैसे खेलूं, मतलब आज भी ऐसा लोगों को लगता है कि यार स्पोर्ट्स में कैसे करियर करूं, तो फिर मुझे ये लगता है कि लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि जो भी आपका सपना है, जो भी आपके ड्रीम्स है, आपको बिना कोई हिचकिचाहट के उसको जाना चाहिए उसके पीछे। बिकॉज मैंने वो किया, ठीक है मैं 20 साल की हूँ, बट मैं भरोसा रखती हूँ कि मैं 21 या 22 साल तक मैं महाराष्ट्र टीम में होंगी। तो फिर मुझे ये लगता है कि बिना कितनी भी रुकावटें आए आपको अपना गोल्स, अपने ड्रीम्स के पीछे जाना चाहिए। एंड कुछ भी हो, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं की, वरना क्या होता है जैसे अभी आप बोले किन किन को सक्सेस नहीं मिलता है, बिकॉज इतनी सारी लड़कियां खेल रही है, सब इंडिया नहीं खेल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आपने पूरी कोशिश की, आपने 100% दिया लेकिन नहीं हो पाया, तब आप ऐसे सोचो कि हाँ मैंने पूरी कोशिश की है फिर नहीं हो पाया, लेकिन आप पहले से हार मानोगे कि नहीं मैं कैसे जाऊँगी इंडिया लेवल तक, तब आप ऐसे जब नहीं पहुँचोगे आपको ऐसे लगेगा यार मैंने कोशिश ही नहीं की, तब वो रिग्रेट रहता है, वो पछतावा रहता है कि नहीं यार मैंने ट्राई नहीं किया। लेकिन पूरा आप कोशिश करके भी अगर कभी कभार नहीं होता है तो चलता है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आपने कुछ ना कुछ सीखा ही है वो जर्नी से, तो आप कभी नुकसान में रहोगे ही नहीं। आप क्रिकेट में किसको फॉलो करती हैं? मैं क्रिकेट में, अगर आप मेंस क्रिकेट की बात की तो मैं विराट कोहली को बहुत फॉलो करती हूँ, वैसे विराट कोहली के गेम के लिए, उसके एग्रेशन के लिए, बट साथ में साथ मैं MS धोनी, सबको जो पता है उनके काम माइंड के लिए, बिकॉज उनके जैसा एक बाजू में आप विराट कोहली को कह रही है जो एग्रेशन में माहिर है, एग्रेशन में उसको ये है, और एक दूसरी बाजू है जो माही है जो बिल्कुल शांत है। सही बात है। तो ये वो एक्चुअली वो बैलेंस चाहिए क्रिकेट में, ऐसे सिचुएशंस रहेंगे जहाँ आपको बहुत एग्रेशन दिखाना है, मतलब नहीं मैं सबसे बेस्ट हूँ, तो वैसे इसमें मुझे विराट कोहली का एटीट्यूड बहुत पसंद है। साथ में आप देखो MS धोनी, उनका ऐसा एटीट्यूड था जहाँ वो स्टंप्स के पीछे रह के पूरा गेम संभालते थे, उनका वो जो काम एटीट्यूड था, उनका वो जो गेम का समझ था वो मुझे चाहिए, जैसे वो सोचते थे, जैसे वो जिस नज़रिए से गेम को देखते थे। एंड साथ में आप अगर फीमेल क्रिकेट की बात कीजिए तो स्मृति मंदना और हरमनप्रीत कौर, ये दो, एंड स्मृति मंदना का गेम जैसे उसने पिकअप किया है, जैसे वो खुद को पोर्ट्रे करती है, वो कुछ ऐसा है जो मैं सीखना चाहती हूँ और मैं आगे करना चाहती हूँ। आगे जाके क्या बनना है? आगे जाके नीति अग्रवाल की पहचान बनानी है, तो मुझे फीमेल आगे जाके नीति अग्रवाल ही ब्रांड बनाना है। सही बात, लोग कहे कि ये नीति अग्रवाल है जो इंडिया खेल रही है, हाँ। ये इंडिया के बैट्समैन है, या बॉल, आप बॉलिंग करती है या बैट्समैन बैटिंग करती है? मैं पहले बॉलिंग करती थी, मुझे एक इंजरी हो गई तो मुझे थोड़ा बॉलिंग से हटना पड़ा, अब मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, तो मैं बैटिंग पहले प्रेफरेंस पे करती हूँ और बॉलिंग भी करती हूँ साथ। अच्छा, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है, एक नाम बताना है आपको, जिसको आप सबसे अच्छा क्रिकेटर मानती हैं? विराट कोहली। महिला में मैं मानती हूँ कि ऑलराउंड जिसका देखें तो वो है हरमनप्रीत कौर। आगे जाके क्या प्लान है? आगे जाके यही प्लान है अभी कि मुझे क्रिकेट में पूरा अटेम्प्ट करना है, मुझे महाराष्ट्र खेलना है, महाराष्ट्र से एक एक सीढ़ियाँ चढ़ के मुझे इंडिया की तरफ जाना है,
एंड जैसे आपने बोला कभी सक्सेस आते हैं कभी फेलियर्स आते हैं, मुझे उनको टैकल करके उनको ओवरकम करके बस बढ़ते रहना है मेरी जर्नी में। मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे ना देखना है और बहुत आगे भी नहीं देखना है, जो प्रेजेंट है जहाँ मेरी अभी मेहनत जा रही है उससे एक स्टेप आगे देखना है। तो वो अभी प्लान है कि स्टेप बाय स्टेप मैं आगे जाऊँ। करियर क्रिकेट में ही करना है? करियर क्रिकेट में ही करना है। ये सपना किसका है, आपका या? तो ये सपना मेरी मम्मी का था, जहाँ उनको स्पोर्ट्स खेलना था, बट उनके टाइम पे ऐसा था कि लड़कियों को नहीं खेलने जमता था, तो उनको थोड़ा स्टेप बैक करना पड़ा। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं वो प्लेटफॉर्म पे जाके उनका नाम इतना रोशन करूँ कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मेरी बेटी ने मुझे वो प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया जहाँ मैं आना चाहती थी। घर में कौन कौन है जो क्रिकेट को फेवर करता है? जो मैं मतलब तो मेरे मॉम, मेरे डैड और मेरे भाई है, जिन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। भाई है मेरे को, कजन्स तो बहुत है एंड एक रियल सिस्टर है छोटी। आप दोनों सिस्टर ही है? यस। अच्छा, तो वो दूसरी सिस्टर क्या करती है? दूसरी सिस्टर अभी 10th में है, वो पढ़ाई कर रही है। हाँ। उसका भी खेल में रुचि है? नहीं, उसका खेल में रुचि नहीं, वो थोड़ा बोलते ना थोड़ा अपोजिट से हम। अपोजिट है? हाँ। आपके क्रिकेट के लिए सब सपोर्ट करते हैं या कोई ऐसा कहता है कि यार नहीं यार अलग से करियर करो या कुछ? नहीं, सब सपोर्ट करते। घर से सपोर्ट है इसलिए कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है, मतलब मेरे माता पिता इतना सपोर्ट करते हैं कि वो कभी कुछ बोले नहीं है कि नीति तू ऐसा मत कर वैसा मत कर। यार आप स्कूल, यार स्कूल के बाद कॉलेज करना, उसको कंप्लीट करना और अलग से कुछ तो बनना एक सपना रहता है हमेशा। आप कॉलेज को ब्रेक कर रही है अभी और क्रिकेट पे फोकस कर रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर आगे जाके कॉलेज तो पूरा ख़त्म हो जाएगा और कुछ रह गया पीछे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मतलब जो थोड़ा सबको रहता है एक डिग्री होनी चाहिए, और बैचलर्स तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, लोगों को रहता है कि गैप ईयर लोगे फिर तुम वापस सोचोगे पढ़ाई करना है, ठीक है वो दिक्कत आती है, बट मेरे पापा है मेरे पीछे जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने बोला है कि तेरे को क्रिकेट खेलना है तो पूरे दिल से क्रिकेट खेल, एंड कभी आगे अगर तेरे को लगता है कि कुछ और करना है तो बिजनेस में घुस सकती है, खुद का बिजनेस चालू कर सकती है। सो ऐसे प्लान्स तो बैकअप में रहते ही है, बट पहला प्लान को ही स्टिक करना है एंड उसको ही। पहला प्लान क्रिकेट है? करेक्ट। आगे जाके पापा के बिजनेस में हाथ बढ़ाना है? हाँ, वो भी है कि उनको थोड़ा सहायता करूँ एंड उनसे भी बहुत कुछ सीख के लूँ, बिकॉज उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ काम करने से बहुत जो सीखने मिलेगा वो भी मैं थोड़ा करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये थी नीति अग्रवाल, जो क्रिकेट में, खेलों में रुचि रखती है और अपना स्थान इंडिया के लिए एक बुलंद बनाना चाहती है, कुछ अलग करना चाहती है। ये सभी इंडिया के लड़कियों को एक मैसेज है कि अगर कुछ करना है तो उसके लिए एज मायना नहीं रखता है, हमें सिर्फ करने की उम्मीद होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।